तारिक की कैश हो गया कितना? क्योंकि वो फाइनेंशियली कमजोर है, तारिक उसको कैश कैश कितना? 5 लाख। आरवी मतलब रामवीर सिंह? हाँ रामवीर। ये भी बरखेड़ा वाले मामले में थे, इन्होंने बाइक बना ली। मेन एविडेंस ये ही होता है, जैसे इन्हीं लोगों का कैमरा जब्त हुआ था, बाद में इन लोगों ने कैमरे के थ्रू जमानत कराई, टीवी आज भी इन लोगों पास में है, 30 मिनट का पूरा गेयर था इनके पास। वरुण गांधी के खिलाफ अगर ये लोग जाते तो उसकी सजा होने वाली। मेन एविडेंस ही इनके पास में थी और किसी पास थी नहीं। उनके जैसे आपने बताया कि लोगों को मिले, क्या गवाहों को भी मिले? माइक भी पॉसिबल, गवाहों की मुझे नॉलेज नहीं है, इन लोगों की नॉलेज मुझे इसलिए है कि पुलिस में कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेट करा था। दिल्ली गई थी बिल्कुल, अच्छा, या मुझसे भी संपर्क करने की कोशिश करी, मगर मेरे पिताजी और मेनका गांधी के आज से जो करीब 10 साल से आपस में ही उन दोनों की मुकदमेदारी चल रही है। हमसे उन लोगों की मत बिल्कुल मतलब सीधे वरुण से ही अप्रोच हुआ था या फिर प्रशासन अनुशासन? देखिए पहले तो वरुण की तरफ से हुआ था अप्रोच, जिस पर तारिक टूट गए। आरजी सिंह से करीब 30 लाख के संपर्क, उसके बाद में धीरे धीरे आरजी से आए 10 लाख, फिर वो इन पर आए कि ठीक है सांसद की मेरे लिए एक स्कूल बनवा करके दे दें, करीब चलिए दवाई देने याद नहीं रहते आज भी दवा और यही रहते थे आप ये डील कर रहे थे। मतलब बाकी सब ने दवाई दे चुके तो फिर इन्हें पुलिस ने पूछाया शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर से इनके घर से पुलिस ने खबर को लाई, एस पी के सामने ले बैठे, एस पी ने फिर इनसे बात करी। एस पी यही देख रहे हैं क्या भी उन्होंने अमित सब इन्होंने जानी दी। तो मुझसे सरकारी वकील पहले ही बता चुके थे एम पी वर्मा ने कि मैं शारिक भाई का कुछ सब था, मैं सफाई लिया था, बहुत ऊपर से मैनेज हो रहा कि मैंने पहले तो शांति से चिट्ठी आई थी कि जो मुकदमा वापस हो गया। तो चिट्ठी है कहीं से मिलेगी? जब मेरा डिस्कशन हुआ ए डी ओ साहब से, चिट्ठी आई थी मतलब अखिलेश की तरफ से, अखिलेश सरकार की तरफ से आई थी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो सरकार को जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा, तो ये हुआ ठीक है, इसे लीगली खत्म कर दो। जब सीजीएम का सुनने में आ रहा है कि जिस दिन जजमेंट हुआ था, जजमेंट से 2 दिन या 3 दिन पहले सीजीएम जो है यहाँ के अब्दुल सयूम नाम है, पता नहीं लियाकत अली नाम, हाँ लियाकत अली, दिल्ली गए अशोका होटल में वो और एम पी वर्मा जो ए पी है। एम पी वर्मा पूरा नाम क्या है? अभय कृपाल वर्मा। ये दोनों लोग वहीं रुके, दो दिन होने की खास सरकारी खाई, मतलब 5-10 लाख रुपये वर्मा जी ने लिए और 20 लाख रुपये सीजीएम साहब ने लिए। और किसी से बात की है जो जो थोड़ा सा बता सकते गवाह हुआ? देखिए गवाह कोई नहीं बता रहा, मैंने आपको ये बता दिया कि मैं गवाह था, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ हॉस्टल हूँ। तो आप लोगों को भी प्रशासन ने कोई निर्देश दिया था या बस मतलब मुझे कोई निर्देश नहीं था,
हाँ मेरे पास फोन मगर बताया प्रशासन आ जाइए दवाई दे दीजिए, आ जाइए दवाई दे दीजिए। एक तरह से यही इशारा है कि भाई क्या कहें प्रशासन क्या कहना चाहता है। एसपी का प्यारों को फोन करके कह रहा है कि आज आपकी दवाई है, मैंने कहा मुझे पता है। शादी करो सर भाई कि कोई भी गवाह नहीं बोलेगा, वो गवाह कोई क्यों नहीं बोलेगा, मतलब वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोई गवाह क्यों नहीं बोलेगा। प्रशासन का प्रेशर है, वरुण गांधी का प्रेशर तो है, किसकी तरफ से? जैसे जो आम नागरिक जो पब्लिक जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि दो दो तीन तीन दिन पहले थानों में उठवा दिए गए थे। कौन सारे गवाह? जो पब्लिक के जो गवाह जिस थाने के अंदर में आते थे वो उठवा लिए, समझा दिया गया, पुलिस को लेकर के आई, उनके बयान करा। रात को फोन आते रहे? हम लोगों को नहीं कर सकते। नहीं मीडिया वालों से कैसे कर सकते हैं? मीडिया वालों से ऐसे करेंगे तो मीडिया बाकी चल जाएगा। हमको देखिए आरपी सिंह बोलों ने उठाए, तो आरपी सिंह तो गोली खेल खेल रहे थे ना, इसलिए उठाया। किसी ने क्या करके उन्होंने उठवाया? तारीख सीधे सीधे निकल गया, हम सीधे सीधे तैयार हो गए, मुझे मतलब इतना सही और सारा खेल हो गया। जो भी काफी देर में खुला, चार छह सेकेंड के बाद खुला। कहाँ पे होती थी सारी मीटिंग? में एक आठवीं सिंह की तो यही मीटिंग हो सकता है। अच्छा, तो बाकी एस पी एस पी साहब सब इन्वॉल्व थे? देखिए आरबी सिंह की जब हुई भी है एस पी ने बातचीत करी, उनका आदमी यहाँ बैठा रहा, उसके बाद में उन्होंने एक आदमी के साथ में आरबी सिंह को यहाँ पे इनकी समझी दी। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे बट इनडायरेक्टली सभी इन्वॉल्व थे। और ये इन बाकी छोटे छोटे जो गवाह थे इन सपोर्ट वाले सबको तो उठवा लिया, इनकी अच्छा तो है।